डॉक्टर टॉम को कुछ है? क्या हुआ? हम उनसे अब मिल सकते हैं ना? हाँ देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हमें 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, उसके पहले कुछ भी बताना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर हो क्या आप? पेशेंट किस हालत में है ये नहीं बता सकते कि वो ठीक भी है या नहीं? आप लोग कुछ नहीं बता सकते? देखिए आप शांत हो जाइए। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ? जब तक आप कुछ नहीं बताएंगे हम कैसे शांत हो सकते हैं? आप भूल गए कि आप डॉक्टर हैं? देख रहे ना हम सबकी हालत कैसी हो रही है? और आप कह रहे शांत हो जाओ? नहीं रहूंगी मैं शांत, वो अंदर मेरी मेरी माँ है। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैडम प्लीज आप चिल्लाइए मत। चिल्लाऊंगी मैं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग एक इंसान की जान नहीं बचा सकते तो फेंक दीजिए अपनी डिग्रियां। कॉपी दिख रहा बेटा, तू शांत जा, संभालो अपने आप को। देखो डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं ना? कहा कोशिश कर रहे, देख रहे हैं। यहाँ पे खड़े खड़े माजी को बचा सकते, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए ना अंदर, जाकर माजी की ट्रीटमेंट कीजिए। जाइए अंदर, जाइए, मेरी माजी को बचाइए। भाभी संभाल। की फेवरेट सिर्फ तुम्हारी बात सुन, किसी की बात उनसे बात कर, उनसे कहो कि वो हमें छोड़कर ना जाए। कभी मैं अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता। माजी को कुछ नहीं होगा। माजी कहीं जा ही नहीं सकती हमें छोड़कर। अरे अभी तो उन्हें कितनी सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। मीरा विद्या को अपनी जिंदगी में खुश देखना है, दोनों बोलू की शादी करवानी है, परदादी बनना है। आपने कैसे समझ लिया कि माजी इस तरह से? नहीं अहम जी, माजी कहीं नहीं जाएंगे, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। देखिएगा माजी, माजी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ,
भाभी क्या कर रहे हैं? तुम होती कौन हो मेरे घर के मामले में बोलने वाली? जस्ट शट अप। और जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। तुम मेरा बचन तो जी। ये जी हमसे बदला लेने के लिए तुमने उससे शादी की थी, हमारा साथ छोड़कर तुमने गोरा सूर्यवंशी का साथ दिया, फिर भी मेरी मॉम, मेरी बीवी ने, मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तुम्हें समझाने की हर एक कोशिश की, और तुमने आज क्या किया? अपनी दादी को, दादी ने मेरी मॉम को कहां लाके खड़ा कर दिया तुमने? अरे तुम्हारे जैसी औलाद से अच्छा है कि मुझे भगवान कोई औलाद ही ना देता। एमजी, मेरा खुद मेरे साथ पानी में कूद पड़ी थी माँ जी को बचाने के लिए। वो अपनी दादी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा प्यार दिखाने का क्या फायदा गोपी? वो भी अब तो जब गोरा मासी ने मेरी मॉम को पानी में धकेला था तब इसे क्यों नहीं रोका उन्हें? और ऐसा कैसे हो सकता कि गोरा मासी ने जो प्लान किया हो उसके बारे में इसको उस तरह भी खबर ना हो? मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम चले जाओ यहां से। गो अवे। गोपी से जाने दो। जी आप क्या कर रहे? मेरा किस पे कोई गलती नहीं है जी। और मुझे पूरा यकीन है मीरा को ये सब कुछ पता भी नहीं होगा। अगर उसे ये सब कुछ पता होता ना तो ये होने ही नहीं देती, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं जानती वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती। हाँ है जी, उसने जिस तरह से मुझे आग से बचाया था ना, ठीक उसी तरह से, उसी बहादुरी से आज भी वो पानी में कूद पड़ी थी माँ जी को बचाने के लिए। मैं जानती हूँ कि उसने गलती की है, उस सूर्यवंशी परिवार में बहू बनकर जाने का उसका फैसला गलत था, और कहीं ना कहीं उसके दिल में आज भी हमारे लिए उतना ही प्यार है। नहीं चाहिए उसका प्यार मुझे, और ना ही मुझे उसके साथ कोई रिश्ता रखना। माँ जी देखिए ना, एम जी हमारे मीरा के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए ना वो क्या कह रहे हैं मीरा के बारे में। माँ जी आप समझाइए ना एम जी को, आप भी जानती है ना कि आप ही एम जी को समझा सकती है। प्लीज प्लीज माँ जी आके खोलिए। डॉक्टर कोई इंप्रूवमेंट? नहीं मिस्टर मोदी, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो हम सिर्फ ब्लीडिंग बंद कर पाए हैं। ब्लीडिंग? हाँ, उनके सर पे एक गहरा घाव लगा है। जैसे कि किसी ने डंडे से या हथियार से वार किया हो।
इसका मतलब गौरा ने हमारी कोकिला के साथ उन्होंने जो करना था वो कर लिया। अब हमारी बारी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। मैं हम मोदी बोल रहा हूं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।